लॉस एंड डैमेज मैकेनिज्म इज नेसेसरी फॉर इन फेस ऑफ इंक्रीजिंग क्लाइमेट चेंज. ओके, हाईलाइट हाउ द ऑपरेशन ऑफ लॉस एंड डैमेज विल लीड टू क्लाइमेट जस्टिस. डिस्क्राइब द पॉसिबल कॉन्टर्स ऑफ लॉस एंड डैमेज व्हेन बीइंग नेगोशिएटेड एंड एनएफसी. वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन. ओके, पहले तो लॉस एंड डैमेज के बारे में यू कैन राइट. व्हाट विल राइट फर्स्ट इन इंट्रो? सिंपल, फर्स्ट राइट अबाउट द वॉर्सॉ मैकेनिज्म. वॉर्सॉ मैकेनिज्म ऑफ लॉस एंड डैमेज कहाँ से आया था? 2013 कॉप 19 UNFCCC और फुल्ली फाइनली ऑपरेशनलाइज इन कॉप 27 UNFCCC. इंट्रो मिल गया हमको. ठीक है, नाउ इट इज नेसेसरी. यस, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी नेसेसरी बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू डिजास्टर. We are going through disaster. India is also going through disaster. India is prone to disaster. Okay? Not only India. Developing countries, small island developing countries, all are prone to disasters. So one line you can write ki, yes, disaster, we are going through disasters. So this fund, LN, loss and damage fund or mechanism will play a very big part. Okay? In this highlight how the operationalization of loss and damage. कैसा ऑपरेशन बोलो विल लीड टू क्लाइमेट जस्टिस. एक एक पॉइंट हाउ इट विल लीड टू क्लाइमेट जस्टिस बताओ. क्लाइमेट जस्टिस तो व्हाट इज टर्म इज क्लाइमेट जस्टिस. सो यू हैव टू सेटिस्फाई दिस टर्म क्लाइमेट जस्टिस. क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर जो होता है, ठीक है, एवरी कंट्री शुड गेट द जस्टिस. यस और नो, दिस इज व्हाट क्लाइमेट जस्टिस. जस्टिस मीन सबका इक्वल होता है, बट इज इट डन? नो, बिकॉज डेवलप्ड कंट्रीज वर्सेस डेवलपिंग कंट्रीज वर्सेस स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज. डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग वर्सेस SIDS स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज और स्टेट्स, क्या जस्टिस होता है? नो. सो हियर दिस लॉस एंड डैमेज फंड जो कि अभी रिसेंटली आया है, इट कैन प्ले अ वेरी बिग पार्ट क्लाइमेट जस्टिस करने के लिए. ओके, सेकेंड, एज पर द पेरिस एग्रीमेंट $100 बिलियन बोला गया था. $100 बिलियन वॉज प्लेज बाई $100 बिलियन प्लेज बाई डेवलप्ड. हुआ नहीं हुआ? ठीक है, नहीं हुआ. एंड दिस $100 बिलियन वॉज मोस्टली फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर. नाउ बट दिस लॉस एंड डैमेज विल क्लियरली फंड फॉर डिजास्टर्स. सो एक एक्सप्लिसिट हो गया अलग से. क्लियर? जब डिजास्टर पे दिया जाएगा तो एक इनजस्टिस मिलेगा सबको, क्लाइमेट जस्टिस. ठीक है, थर्ड और क्या है? और भी अच्छे से ऑपरेशन होगा बिकॉज इन UNFCCC नाउ दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ UNFCCC राइट, लॉस एंड डैमेज वन UNFCCC. नाउ थर्ड में वी हैव समथिंग कॉल्ड ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF. GCF क्या है? इट इज द पर्सनल मैकेनिज्म, फंडिंग मैकेनिज्म ऑफ UNFCCC. ठीक है, नाउ दिस कैन बी चैनलाइज्ड विथ लॉस एंड डैमेज फंड. पर्सनल है ना UNFCCC का दिस वन, सो और अच्छे से चैनलाइज होगा. एक पॉइंट, फोर्थ पॉइंट यू राइट इट स्पेसिफिक टू इंडिया. इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है, और इवन टेक नाबार्ड,
क्योंकि जीसीएफ का कौन है, जीसीएफ का नेशनल इंप्लीमेंटिंग एंटिटी कौन है, नाबार्ड है. सो हियर ऑल्सो नाबार्ड कैन ऑल्सो प्ले वेरी बिग ऑपरेशनलाइज दिस फंड व्हेन इट कम्स टू इंडिया बिकॉज इंडिया इज वेरी प्रोन टू क्लाइमेट डिजास्टर. सी यू हैव टू मेक योर पॉइंट वेरी इनोवेटिवली, कहीं पे लिखा नहीं है, वेरी इनोवेटिवली यू हैव टू जस्ट लिंक इट. व्हेन यू नो द फैक्ट फिगर्स एंड द कॉन्सेप्ट क्लब इट राइट एन आंसर. ये आंसर के लिखा नहीं है, स्पॉट पे, इधर ही स्पॉट पे हो रहा है, कोई इसमें कोई प्रिपरेशन नहीं है. ये आंसर मैंने प्रिपेयर करके आया था, मतलब ऐसे ही लिख दे रहा रफ में, दिस इज यहीं पे प्रिपेयर कर रहा हूँ, स्पॉट पे लिखना है. और बताओ, और पॉइंट्स बताओ ना, डिस्कस. यहीं पे हो गया चार पॉइंट. सो दिस ऑपरेशन कैन बी डन बिकॉज द क्वेश्चन इज हाउ, दिस इज द आंसर हाउ. ओके, और क्या है, ऑल्सो डिस्क्राइब द पॉसिबल कॉन्टर्स ऑफ फंड बींग नेगोशिएटेड अंडर UNFCCC. नाउ हियर जो नेगोशिएशन अभी हुआ है, दिस इज द स्टैटिक पार्ट. COP27 में जो डायरेक्ट दो तीन पॉइंट्स है वहां पे लिख सकते हो, दिस इज द स्टैटिक पार्ट. बिकॉज दिस इज पॉसिबली दे विल नॉट आस्क दिस क्वेश्चन बिकॉज इट अ वेरी स्टैटिक पार्ट. बट हियर द क्वेश्चन इज हाउ, हियर योर एनालिसिस विल प्ले वेरी बिग पार्ट. हाउ मच यू नो, हाउ कैन यू लिंक द टॉपिक्स. हमने GCF के साथ लिंक किया, हमने SIDS के साथ लिंक किया, हमने क्लाइमेट जस्टिस, क्लियर क्लाइमेट जस्टिस के साथ लिंक किया, हमने इंडिया के साथ भी लिंक किया, प्लस हमने पेरिस एग्रीमेंट के साथ भी लिंक किया. गॉट इट, डन, ओके.